अभी हम हैं वार्ड नंबर 45 दरभंगा नगर निगम में और आप यहां देख सकते हैं कि आज हुई मानसून की मूसलाधार बारिश ने यहां पे जन जीवन बेहाल कर दिया है। सड़क पे पानी लग चुका है, सड़क गड्ढा में बदल चुका है और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण जन जीवन व्यस्त हो चुका है। हम दिखा रहे हैं दरभंगा शहर के नगर निगम क्षेत्र का, जहाँ से जल जमाव के कारण इस तरह की समस्या हो गई है कि लोग आने जाने में परेशानी हो रही है। गड्ढा होने की वजह से यहाँ लाल कपड़ा लगा दिया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा, ताकि इस जगह पे लोग न जाए, क्योंकि अंदर गड्ढा है, मोटरसाइकिल वाले या आने जाने वाले लोगों को पता नहीं होता है, ऐसे में बड़ा खतरा होने की संभावना होता है। तो स्थानीय लोगों के जुगाड़ टेक्नोलॉजी के द्वारा यह लाल कपड़े और एक खम्भा या बाँस की लगा दिए, जैसे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इस दिशा से लोग नहीं जाते हैं। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुन्ना कुमार झा। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी। आपके घर के सामने में पानी लगा हुआ है जी। कितने सालों से यहाँ पानी लग रहा है? ये 4-5 साल से लग रहा है। नहीं नगर निगम इसको देख रहा है, नहीं मेरा वार्ड पार्षद देख रहा है, कितना आदमी एक्सीडेंट होता है जी। इसको लेके आप लोग ने क्या किया अभी तक स्थानीय स्तर पे? क्या कर पाए, जब जनप्रतिनिधि नहीं तैयार है, हम लोग तो झंडा गाड़ दिए भाई। जनप्रतिनिधि तैयार ही नहीं, आदमी गिरता है हम गाली देके जाता है, जो भी गिरता है यहाँ पे हम लोग को गाली। देखिए ये मेरे बिट्टू झा, इनका गाड़ी फंस गया, हम लोग को ठेल के निकालना पड़ेगा आपके सामने में। आप क्या देखिए गाड़ी ठेल के निकाल, देखिए देखिए बुलेट गाड़ी का ये हाल है। बुलेट गाड़ी 2 लाख का गाड़ी है, देख लीजिए ये हाल है, तो सिलेंडर का क्या हाल होगा। यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, जनप्रतिनिधि नगर निगम पर भी अपना आक्रोश दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग वोट के समय में तमाम वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब वादे पानी में फिर जाता है और पानी बरसने के बाद लोग यहाँ पे समस्या झेलने को मजबूर हो जाते हैं। देखिए कि किस तरह से गाड़ी रोकने पर कपड़ा भीग गया है, लेकिन किस तरह की परेशानी होती है। लेकिन जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, उन्हें इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव के समय उद्घाटन और शिलान्यास करते नज़र आ जाएंगे, लेकिन जो समस्या है, जल जमाव का समस्या है, यह समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्यों ऐसा परेशानी है, आइए जनता से सुनते हैं क्या कहते हैं ये। जी क्या नाम हुआ आपका? दोनों कुमार झा। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी हम यहाँ के स्थानीय निवासी। जी यहाँ पे आपके घर के सामने में पानी लगी हुई है, कितने सालों से यहाँ पानी लग रही है? बहुत दिनों से पानी सर लग रहा है, बहुत दिनों से। कितना पानी यहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ डांड भर पानी रहता है सर, बहुत गाड़ी गिरता है। देखिए यहाँ लाल झंडा लगा दिया है, बहुत आदमी का, देखिए वो भी आदमी गाड़ी आपके सामने में साइकिल वाले भैया गिर चुके हैं, देख लीजिए। अच्छा, इससे जो दुर्घटना भी होती रहती है आए दिन? बहुत बहुत, हर दम मेरा घर है, हम देखते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, सबको उठा पुछा कर देता है सब यहाँ पे गिर जी। तो यहाँ जो है वो नगर निगम प्रशासन को आप क्या करना चाहेंगे? कोई नहीं, कोई भी नहीं आते हैं, गाड़ी देके जाता है। एमएलए संजय सर आपकी को भी फोन किया, वो भी बोले हम सोनू जी देख रहे हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं, बहुत दिनों से जो गिरता है। रोड है बड़ा बड़ा, खाली रोड है, खाली रोड, बहुत आदमी गिर के मरता है, बहुत आदमी गिर के मरता है, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कई वर्षों से पानी लग रहा है, परंतु अभी तक नगर निगम प्रशासन की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, जिससे कि स्थानीय लोग काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। ठीक है, मिथिला के लिए दरभंगा से जगमोहन की रिपोर्ट।